हे दोस्तों, इन्फोलेन यूट्यूब चैनल का और एक शानदार धांसु और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल का मौसम है और चारों ओर क्रिकेट फैला हुआ है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत दिन बाद क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, पर पूरे दुनिया भर में ये जो टूर्नामेंट है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ये एक अलग सा मकान अपने लिए हासिल कर चुका है। वैसे अगर आपके घर के टीवी में स्टार स्पोर्ट्स का एक्टिवेशन है तो आप घर में आराम से देख सकोगे, मगर मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ आईपीएल को मोबाइल में देखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ इधर उधर, तो जहाँ पे भी मेरा मन करे, जब भी मेरा मन करे, मैं मोबाइल से ही देख लेता हूँ। पर मोबाइल में आपको आईपीएल देखने के लिए हॉटस्टार को पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से वो तरीके हैं जो अप्लाई करके आप अपने मोबाइल में कोई भी आईपीएल मैच को बिना कोई पैसा खर्च किए लाइव देख सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं जो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये सबसे आसान तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल से क्रिस्टल क्लियर ऑडियो एंड वीडियो देख सकोगे। हाँ, और एक बात, ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको यूज करने के लिए आपके मोबाइल पर बहुत हाई स्पीड इंटरनेट का भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो इंटरनेट आपको मिलेगा वहीं से आप इसका स्ट्रीमिंग कर सकते हो, है ना, ये अच्छी बात। तो इसी खुशी में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे एक वीडियो में मैं थॉप टीवी एप्लीकेशन के बारे में बात किया था। पर पिछले कुछ दिनों से, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है बेसिकली, तब से थॉप टीवी का जो सर्वर है वहाँ पे कुछ इशू मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने और एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात किया था, पर उसमें दिक्कत ये आ रहा है कि जियो जो कंपनी है वो उस प्लेटफॉर्म से जो लाइव आईपीएल का स्ट्रीमिंग है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो अब उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे एक वीपीएन यूज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे यूजर हमारे ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है कि एक वीपीएन होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। तो इन सारी वजह से दोस्तों मैं इस टॉपिक के ऊपर फिर से ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे आपको ना तो कोई सर्वर का इशू देखने को मिलेगा और ना ही आपको कोई वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन अपने मोबाइल से चला के दिखाऊंगा लाइव मैच। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन मैंने टेस्ट किया था वो अलग अलग दिन में टेस्ट किया था, तो अलग अलग दिन में अलग अलग मैच चल रहा था। और हाँ, और एक बात है कि हर बार की तरह इस बार भी दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हो, पर वहाँ पे आपको बहुत सारे फेक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने जो लिंक दिया है वो ऑफिशियल लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे लेबर या फिर टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले, आपको कोई नया नॉलेज मिले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अलग अलग तरीकों के नए नए स्टाफ लेके आने के लिए। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा लिस्ट में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है ओरियो टीवी। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी एक फेमस एप्लीकेशन है। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और यूज़र फ्रेंडली है, और इसमें आपको जियो टीवी का जितने सारे चैनल्स है या फिर एयरटेल टीवी का जितने सारे चैनल्स है सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहला ऐप का नाम है ओरियो टीवी। चलिए मैं ओपन करके इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा ओरियो टीवी ओपन हो रहा है। बहुत ही आसान सा एक एप्लीकेशन है, आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी लाइव मैच हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज़र्स हैदराबाद का। तो सबसे ऊपर ही आप यहाँ पे ही देख सकते हो स्लाइडर में, यहाँ पे ही आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट प्ले कर सकते हो आईपीएल को लाइव। फिर उसके नीचे आप देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा हॉटस्टार लाइव स्पोर्ट्स करके, यहाँ से भी आप आईपीएल को लाइव चला सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे नीचे देखिए स्टार स्पोर्ट्स का कुछ चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप उसको प्ले कर सकते हो हिंदी में डायरेक्ट। तो प्ले करने से पहले दोस्तों मैं और कुछ फीचर्स आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाता है, आप चाहे तो डार्क मोड को ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऐप वर्जन करके दिखा रहा है, तो मेरा करंट वर्जन है 1.8.5। दोस्तों, इस ऐप का वर्जन आप यहाँ पे ऊपर में भी देख सकते हो स्लाइडर के ऊपर, ओरियो टीवी 1.8.5। तो ये वर्जन आप जब इंस्टॉल करेंगे तो देख लेना। वैसे मैं इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल में जाके टाइप करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको और एक फीचर मिल जाएगा जो है के है पीआईपी मोड, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।
तो चलिए मैं आपको आज के लाइव मैच एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ से ओपन करोगे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो कि हिंदी में या फिर तेलुगु में, तमिल में। तो मैं सिंपल यहाँ से हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए। तो चलिए मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ से स्टार स्पोर्ट्स का जो ये चैनल का लिंक दिया हुआ है आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने टैप किया यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। सामने वार्नर। तो दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल सा पर बहुत ही यूजफुल एक ऐप है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। दोस्तों हमारा लिस्ट का जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है GSD स्पोर्ट्स। ये भी काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, इसमें भी आपको सर्वर का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और ये जो एप्लीकेशन है ये भी काफ़ी लो इंटरनेट स्पीड में भी चल जाएगा। और हाँ, इंटरफेस इसका भी काफ़ी ज़्यादा आसान और सिंपल है। दोस्तों सबसे पहले तो अपने फ़ोन से कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आइए और यहाँ पे टाइप कीजिए https://, उसके बाद टाइप कीजिए GSD sports, उसके बाद डॉट, फिर fun fun, उसके बाद स्लैश, फिर टाइप कीजिए डाउनलोड download, उसके बाद फिर से एक स्लैश और एंटर मार दीजिए या फिर सर्च कर लीजिए। यहाँ पे GSD स्पोर्ट्स का जो ऑफिशियल पेज है वो खुल गया है। ये वाला जो वर्सन है ये दिखा रहा है किटकैट के ऊपर काम करेगा, तो ऐसे पुराने जो वर्सन है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड HD स्पोर्ट्स वर्सन 5.6 फॉर एंड्रॉयड लेटेस्ट एंड ओल्ड वर्सन, इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप सिर्फ इस लिंक को जस्ट टैप कर लीजिए तो ये डाउनलोड का ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, यस कर दीजिए या फिर डाउनलोड को मार दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो 11 MB का फाइल है, 12 MB का लगभग, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो यह इस ऐप को जस्ट यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके पास ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको अलाउ कर दीजिए जस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो चैनल का लिस्ट है वो आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्रिकेट लाइव का ऑप्शन है ये जो दिखा रहा है सबसे ऊपर वाला, तो इसको टैप कर लेते हैं। CSK have won the toss. जैसे ही मैंने उस लिंक को टैप किया तो ये प्ले होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड में नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप इसका जो क्वालिटी है वीडियो का क्वालिटी उसको भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका नेट थोड़ा स्लो है तो उसको लो रखिए। तो बस यही था आज का ट्रिक्स कि कैसे बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल में IPL लाइव मैचेस एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बहुत ही आसान तरीकों से आप अपने मोबाइल पर IPL 2020 का लाइव कोई भी मैच आसानी से देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप एक IPL के फैन हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।